अक्सर अर्बन नक्सल्स के खतरों की बात की जाती है। इसके पक्ष और विपक्ष में तरह तरह की बातें की जाती है। ये कितने खतरनाक है इसका अंदाजा यलगार परिषद और बीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस की चार्जशीट से लगाया जा सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पुणे पुलिस ने कल यूपीए की विशेष अदालत में 19 अर्बन नक्सल्स के खिलाफ अलगार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में आरोप पत्र का मसौदा दायर किया है। उन 19 आरोपियों में अरुण थॉमस फेरेरिया, रोना जैकब विल्सन, सुधीर प्रहलाद धवले के नाम शामिल हैं। इस ड्राफ्ट चार्जशीट में कई हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पुणे पुलिस का आरोप है कि मामले में शामिल सभी 19 आरोपी पीएम मोदी की हत्या की साजिश भी रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी पीएम मोदी की हत्या उनके रोड शो के दौरान करना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। गौरतलब है कि इन आरोपियों में मानवाधिकार वकील, शिक्षाविद और लेखक शामिल है। पुणे पुलिस ने इन सभी लोगों का संबंध प्रतिबंधित सीपीआई कबीर कला मंच से बताया है। पुलिस का ये भी कहना है कि अभी भी कुछ माओवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा यूपीए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसआर नवेंदर को सौंपे गए मसौदे में 19 आरोपियों के खिलाफ कुल 16 आरोपों का जिक्र किया गया है। इनमें आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत 8 आरोप और आईपीसी के तहत 8 आरोप शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में 1 जनवरी को सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 121 और 121 ए के तहत आरोपों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सभी 19 गिरफ्तार लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई माओवादी के सक्रिय सदस्य हैं। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची है। इस काम के लिए इन्होंने 8 करोड़ रुपए जमा किए और नेपाल और मणिपुर से भारी मात्रा में हथियार मांगने का प्रयास किया था। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव में आयोजित एल्गार परिषद कार्यक्रम को सीपीआई ने एक बड़ी साजिश के तहत फंड किया था। यह आयोजन भीमा कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। इस आयोजन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जिसमें एक की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद जनवरी में राज्यव्यापी बंद के दौरान पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे। जाहिर है भारत में नक्सलवाद की समस्या एक बड़ी समस्या है। अपने सेफ हेवन से नक्सली अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे ही रहे हैं। उनके समर्थक जिन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है अपने शहरी ठिकानों में इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। यदि देश की पुलिस ये कहती है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जा रही है तो ये एक गंभीर मामला है और इस साजिश के मास्टरमाइंड अगर अर्बन नक्सल्स हैं तो उनके साथ भी सख्ती बरतनी चाहिए। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।